कुदरती आफत है। पंजाब दे काफी हिस्सों दे विच जिहड़ा पानी दियां खबरां मिल रही ने, ते मैं अज रोपड़ भी जा रहा। सतलुज दरिया जिहड़ा वह हजे खतरे के निशान तो नीचे चल रहा, ते नंगल डैम भी खतरे के निशान तो काफी नीचे है जी। सो घबराउण दी जां पैनिक होण दी लोड़ नहीं, सरकार बिल्कुल नाल खड़ूगी लोकां दे। साडे सारे MLA, साडे सारे मिनिस्टर साहिबान, साडे सारे ऑफिसर्स, मैं पल पल उन्हां तों जानकारी भी लै रहा पंजाब दी कि कित्थे कित्थे पाणी, कोई निचले इलाकें च पाणी आ गया, रिहायशी इलाकें च पाणी आ गया। सो नदियां नहरां रजवाहे असीं हर एक नूं साडी जिहड़ी पैनी नज़र नाल देखा जा रहा, और कितें नुकसान रब ना करे होया भी तां असीं लोकां दे नाल खड़ांगे। स्पैशल गिरदावरी करवाउण दी लोड़ होई, पशु डंगर जिहड़े उन्हां दा नुकसान होया, जां पशुआं डंगरां वाला वाड़ा ढह गया, छत डिग पी, किसी कच्चे घर ढह गए, असीं जिहड़ा लोकां दे नाल खड़ा। सीएम साहब, होम मिनिस्टर से बात हुई है आपकी, क्या मदद दे रही है सेंटर हिंदी? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। तो निचले इलाकों में जैसे पटियाला से खबरें आ रही हैं कि वहां नदी जो है वो खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। घग्गर दरिया जो बहुत इलाके को मार करता है वो अभी खतरे के निशान के आस पास है, और लगता है कि जब बारिश रुक जाती है तो ये घग्गर जो है वो बिना मार करे गुजर जाएगा। और कभी जरूरत पड़ी तो NDRF की टीमें भी तैयार हैं, और सेना तो खैर हमारे यहाँ जगह जगह पे सेना के कैंप हैं, वो तो सेना से मदद भी ली गई है कहीं से? वो तो वैसे लोकल जैसे पटियाला में जैसे यहाँ पे सेना का अपने कैंप हैं, वहाँ वो मानवीय आधार पर वैसे भी सेना वाले जो करते हैं। ऑफिशियल अभी हमने कोई सेना नहीं मांगी है, अभी ठीक चल रहा है और भगवान करे ठीक ही रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साडे MLA पहले दिन तो उत्थे ने, साडे सारे अफसर जेडे DCs दी मीटिंग लई सी मैं 3 दिन पहला, अजे तो इना पानी भी नहीं आया सी। मैं खुद अज ग्राउंड ते हां, मैं कोई ये नहीं करता कि हेलीकॉप्टर तो देख के जायजा ले लिया, ग्राउंड ते जावांगे। जे मैनू पजामा उपर टंग के बिजली लंघना पै गया तो मैं लंघूंगा, तुसी अपनी ड्यूटी देखो, जेडे आ कपड़े पा के तुसी अपनी ड्यूटी मीडिया निभा रहे। सो सारे दा फर्ज बनता है इस मौके ते जरूरतमंदा दे लोड़वंदा दे नाल खड़ी। करल सरकार पै गया ओहदे नाल, देखिए बिल्कुल नदी दे उपर बनाया होया सी, हालांकि चलो हुण तां लोक परेशानी दी गल वखरी आ, पर ओह लोक हजे भी कह रहे ने, कहिंदे वी ओरे कम से कम मिट्टी जिहड़े बाकी घर ने उहनां नूं बचा लिया जावे, कोई उत्थे दित्ते नहीं। नहीं बिल्कुल, जिस तरहां दी कोई रिपोर्ट आउणगीआं, कोई सानूं समस्यावां दा पता लगूगा असीं हल करदे जावांगे। ते मैं हुण इस तों बाद रोपड़ सतलुज दरिया ओहदे प्रबंधक जां BBMB वाले जां जिहड़े साडे इरीगेशन दे अफसर ने उह बुलाए होए ने, ते देखदे आं। और मैनूं उम्मीद है कि असीं इस कुदरती आफत दे नाल बिल्कुल इकट्ठे होके निजिठांगे, ते घट तों घट नुकसान होवे। क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है, तो पानी आने में भी एक दिन डेढ़ लग जाता है, तो वहां से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर फैसला लेंगे। सारे ऑफिसर ग्राउंड पे हैं, बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।